સાબરકાંઠા જિલ્લાના વડાલીમાં 31 વર્ષીય ગૌ પર્યાવરણ અને આધ્યાત્મ ચેતના યાત્રા આવી પહોંચી. 31 વર્ષીય ગૌ પર્યાવરણ અને આધ્યાત્મક ચેતના પદયાત્રા હલ્દીઘાટેથી સંપૂર્ણ ભારતવર્ષમાં પદયાત્રા સાથે ભારતીય દેશી ગાય અને પર્યાવરણ અંગે જાગૃતિ માટે આજરોજ વહેલી સવારે વડાલી ખીરબ્રહ્મા હાઈવે રોડ પર આવેલ મહાકાળી મંદિર પાસે આ ગૌયાત્રા આવી પહોંચી હતી ત્યારે વડાલીના ગૌભક્તો દ્વારા વાજતે ગાજતે સામૈયું કરવામાં આવ્યું હતું. ત્યારબાદ મહાકાળી મંદિરથી વાજતે ગાજતે ગૌયાત્રા ભક્તો સાથે વડાલી શહેરમાં આવેલ માર્કેટયાર્ડ ખાતે પહોંચી હતી અને માર્કેટયાર્ડમાં સાધ્વીજી સબલા ગોપાલ દેવીએ ગૌકથાનું રસપાન કરાવ્યું હતું. ત્યારે સાધ્વીજીએ જણાવ્યું હતું કે આ ગૌયાત્રા 4 ડિસેમ્બર 2012થી હલ્દીઘાટીથી નીકળી છે અને 2043માં પૂર્ણ થશે અને અત્યાર સુધીમાં 18,000 શહેર ગામ ગામડા ફરી 80,000 કિલોમીટર પદયાત્રા પૂર્ણ કરી ચૂકી છે. ધ્રુવ મારી ZSTP વડાલી. માતા જય ગોપાલ. આપ સભી કો મેરા રામ રામ. 31 વર્ષીય ગૌ પર્યાવરણ એવં આધ્યાત્મ ચેતના પદયાત્રા કા શુભારંભ 4 દિસંબર 2012 કો મહારાણા પ્રતાપ સિંહજી કી વીરભૂમિ હલ્દીઘાટી સે હુઆ. इस 9.5 वर्ष के बीते कालावधि में इस यात्रा ने राजस्थान राज्य के सभी जिले, तहसील, पंचायत इत्यादि को जाते हुए 18,000 से अधिक गांव, कस्बों, शहरों में गौ माता जी की महिमा को सुनाते हुए 80,000 किलोमीटर की दूरी को नंगे पैर पैदल पैदल पार किया है. तत्पश्चात 10 सितंबर 2021 को ये यात्रा गुजरात राज्य में प्रवेश कर गई. इसी तरीके से ये यात्रा संपूर्ण भारतवर्ष में फैलेगी. प्रत्येक राज्य, प्रत्येक जिला, तहसील जाना है. 2.5 लाख किलोमीटर का लक्ष्य है और 51,000 गाँव में यात्रा पहुँचेगी. इस यात्रा का मुख्य रूप से उद्देश्य है पर्यावरण की रक्षा हो. आज पर्यावरण का दोहन शोषण हो रहा है. वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण तेज गति से हम मानव की विभिन्न क्रियाकलापों के कारण बढ़ रहा है. परिणाम स्वरूप इस धरती पर हम मानव के अतिरिक्त जो 83,99,999 जीव जानवर, पशु प्राणियों की अन्य जलचर, थलचर, उभयचर, नभचर, उड़ने वाले, चलने वाले, रेंगने वाले, तैरने वाले जो अन्य पशु हैं, जानवर है, उन सभी के जीवन लीला पर बहुत असर पड़ रहा है. काफ़ी सारी अनस्ल प्रजातियां तो अभी खत्म होती हुई दिखाई दे रही हैं. ये सारी समस्याएं मिटें और सभी पशु प्राणी अपने निज अधिकार के साथ सुखपूर्वक इस धरती पर भ्रमण करें, ये इस यात्रा का पहला उद्देश्य है. आध्यात्म की चेतना बढ़े और देश के पढ़े लिखे नौजवान भारतीय आध्यात्म के ज्ञान को समझ करके स्वयं कल्याणमय जीवन जीने के साथ देश को उन्नति की ओर ले जाए, ये यात्रा का दूसरा उद्देश्य है. यात्रा का तीसरा उद्देश्य है गाय माता जी के वैज्ञानिक महत्व, शास्त्रीय महत्व को हम समझें और गौ माता जी के महत्व को समझ करके गौ माता जी की सेवा से सुखी, श्रेष्ठ, संपन्नशील जीवन जे, ये भी इस यात्रा का तीसरा उद्देश्य है. तो इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के विराट संकल्पों के साथ यात्रा चलती है. हमारी यात्रा का एक सुंदर सा दिव्य नियम है. हम पूर्ण भारत में भ्रमण करेंगे लेकिन कहीं से भी किसी भी प्रकार का भेंट, उपहार, सहयोग स्वीकार नहीं करते हैं. मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान का एक सीधा सा सिद्धांत है, ना हमें नाम चाहिए, ना हमें दाम चाहिए, ना हमें दान चाहिए.